हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक बार नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि पिछले वीडियो में हम लोग यह पढ़े थे कि जो नरेशंस हैं वह क्या होते हैं, इनके जनरल रूल क्या होते हैं, स्पेशल रूल क्या होते हैं, और अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग नरेशन पढ़ चुके थे। और इसके बाद ये भी पढ़ चुके थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन कैसे बनते हैं, किस तरह से क्या होता है उनमें। सभी हम लोग पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे करके वीडियो में नरेशंस की हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम आपको यह सिखाएंगे कि नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस यानी इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं जो एक ट्रिक लिखा हूँ आप लोगों को, मतलब उतना करने से ज्यादा यह है कि हम लोग एक ट्रिक से पढ़ाई करें कि किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाया जाए। तो यहाँ आपको समझना होगा जो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, इसके जो रूल्स हैं ये याद रखना होगा, जो जनरल रूल आपके चल रहे हैं और स्पेशल रूल है वह हर किसी सेंटेंस में फॉलो करेंगे, बस चेंजिंग होता है तो इन्वर्टेड कॉमा और इनकी रिपोर्टिंग भार का चेंजिंग होते रहता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। बट ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि जो जनरल रूल और स्पेशल रूल हम आपको बता दिए हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यानी बी कॉमा रूल ऑफ नरेशन इज जनरल एंड स्पेशल रूल। यानी जो कॉमन रूल है, सामान्य नियम है, वह कौन कौन है, जनरल रूल है और स्पेशल रूल है, यानी डू नॉट चेंज इन एनी कंडीशन, यानी चेंजिंग एनी सेंटेंस। जब कोई बदलाव भी हो वाक्य का, कोई कंडीशंस भी हो, तो जनरल रूल और स्पेशल रूल में कोई बदलाव नहीं होगा। बस होगा तो किस में होगा, एक योर रिपोर्टिंग भार्ग में और इनवर्टेड कॉमा में। तो चलिए आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। मैं लिखवाया क्या हूं, रिपोर्टिंग भार, यहां दिया हूं चेंजिंग अकॉर्डिंग टू मीन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो रिपोर्टिंग भार होगा वो होता कौन कौन है, सैड, और जो होता है से, सेज। यानी तीन तरह के ही रिपोर्टिंग भार आपको दिए रहेंगे, तो इनका जो बदलाव होता है चेंजिंग अकॉर्डिंग टू मीन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच के मीन के अनुसार इनका बदलाव होगा, मतलब अर्थ के अनुसार इनका बदलाव होगा। अब हमको यह देखना होगा कि जब अर्थ के अनुसार इनका बदलाव होगा तो किस में बदलेंगे, यानी ऑर्डर या आदेश के लिए बोध करता है, कमांड यह भी आदेश के लिए बोध करता है, रिक्वेस्ट यानी यह प्रार्थना का बोध करता है, बेग यह भी एक तरह का प्रार्थना का ही बोध करता है, आर प्रे ये भी प्रे, मतलब यहां देख लीजिए प्रे जो है ये भी प्रार्थना का बोध करता है, एडवाइस सलाह का बोध करता है, सजेस्ट यह भी एक तरह का सुझाव का बोध करता है, आस्क जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, रिमाइंड प्रोहिबिटेड के निषेध का बोध करता है। तो यहाँ पे समझना होगा मुख्यतः यह दोनों जो दिया हुआ है यह आदेश की स्थिति में बोध कर सकते हैं आप, ऑर्डर और कमांड। तो यदि आपका सेड रहेगा तो ऑर्डर हो जाएंगे,
सी रहेगा ऑर्डर ही रहेगा, सीज होगा ऑर्डर्स हो जाएंगे, मतलब यह इसका रूप है। यदि डी लगता है ईडी लगाइए, यस लगता है यस लगाइए, मतलब यहाँ आप दोनों को यानी आप ऑर्डर के आदेश की स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट या प्री की स्थिति दोनों के बता रहा हूं, जब प्रार्थना की स्थिति हो तो वहां पे आप रिक्वेस्ट या प्रे लगा सकते हैं, और खासकर रिक्वेस्ट और प्रे के कंडीशंस में जो होता है वह उस वाक्य में प्लीज या काइंडली लगा होता है, तो यहाँ पे समझना होगा। एडवाइस सलाह की स्थिति में हो जाएगा या आर्गो और बेग भी प्रे की स्थिति में हो जाएगा। सलाह की स्थिति में सजेस्ट कर सकते हैं, या मैं इसे कम्युनिटी कर देता हूं इसका, आप समझते जाइएगा। तो कौन कौन किसके स्थिति में कर सकते हैं आप, प्रोहिबिटेड निषेध की स्थिति में कर सकते हैं आप, या फॉरबिड भी कर सकते हैं। तो जब ऐसे कंडीशंस रहेंगे तो आप उनका प्रयोग करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहां लिखवा दिया जो पहला रूल हो गया इनवर्टेड कॉमास जो होंगे वो किस में चेंज होंगे, या तो टू में, फॉर अफर्मेटिव। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अफर्मेटिव हो, सकारात्मक हो, तो टू में बदलेंगे इनवर्टेड कॉमा को, और यदि नेगेटिव हो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तो नॉट टू में बदलेंगे। अब तीसरा रूल क्या कहता है, इनडायरेक्ट में बदलते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन हेतु नाउन का प्रयोग हुआ हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। अर्थात हम यह बताना चाहते हैं कि जब आप इनडायरेक्ट में बदलें तो उस स्थिति में यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन हेतु किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में उसको ऑब्जेक्ट बना लें। चौथा रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग जुड़ा हो तो उसे हटाकर वाक्य को एसर्टिव बदल दें। एसर्टिव में दोनों आते हैं, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, यानी दोनों को हम बदल सकते हैं। पांचवा कहता है अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करें, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे माइनर मिस्टेक किया हूँ, एक रूल मैं छोड़ दिया हूँ जो यहाँ पे यदि यदि आरएस में प्लीज कॉमा काइंडली ऐसे शब्द आते हैं तो उन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय हटा लें। ई जो रहा आपका इंपरेटिव का रूप रहा, और ध्यान देने योग्य यह बात है कि ट्रिकली मैं बता रहा हूं, मैं इतना बड़ा बड़ा करके आपको रूल नहीं लिखवा रहा हूं जो आपको याद करने में दिखते करें। तो याद रखना होगा यहाँ पे दो स्थिति में ऑर्डर कमांड, ऑर्डर की स्थिति में रिक्वेस्ट प्रे, प्रार्थना की स्थिति में एडवाइस सजेस्ट, सलाह की स्थिति में और निषेध की स्थिति में आपको दिख रहा है। तो मैं आगे जो आप लोगों को एग्जांपल दूंगा तो इसी रूल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और बनाते चलेंगे हम लोग। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखेंगे हम लोग जो पहला एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, कराए he said to his servant go away at once, he said to his servant comma inverted comma go away at once। ध्यान देने वाले डायरेक्ट नरेशंस है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इसको बदलना है। तो
तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना होगा हम लोगों को, करा ही सेड टू हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर से कहा गो अवे एट वंस, मतलब चले जाओ, एट वंस मतलब एक बार और चले जाओ। यह बता रहा है, किसको बता रहा है? अपने सर्वेंट को बता रहा है कि तुम एक बार पुनः चले जाओ। मतलब यहां देखना होगा कि ऑनर और सर्वेंट का रिलेशन है, यानी ऑनर अपने सर्वेंट को आदेश दे रहा है। ये आपका रहा रिपोर्टेड स्पीच, ये रहा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। देखना होगा ध्यान से रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, और यहां पे हो गया इनवर्टेड कॉमा। ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो यहां पे मैं बताया हूं कि ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, इंपरेटिव जब पता नहीं है तो इंपरेटिव भीवन या भीवन प्लस ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, और प्रारंभ होकर आदेश, सलाह, प्रार्थना, निषेध आदि का बोध करता है। तो यहां देख रहे हैं कि गो भीवन है, भर्ब का पहला रूप है, इससे प्रारंभ हुआ है, और कह क्या रहा है, मतलब ऑर्डर कर रहा है, आदेश दिया जा रहा है इस वाक्य में। तो हम बनाएंगे अपने नियम के अनुसार, तो चलिए बना रहे हैं हम लोग ही। अब सैड को मैं बताया हूं अकॉर्डिंग टू, यानी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू मीन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो मीन कह रहा है वो ऑर्डर कह रहा है। तो ऑर्डर के लिए तो कमांड या तो ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर का हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी ऑर्डर हो जाएगा सैड है। तो अब देखिए इसके बाद टू हट जाएगा, हीज हो जाएगा सर्वेंट। अब देख लीजिए सर्वेंट, यानी यहां पे हो गया ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, इनवर्टेड कॉमा को टू या नॉट टू में बदलना था। हम देख रहे हैं कि हम टू में बदलेंगे बिकॉज, यानी सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज अफर्मेटिव, यानी इसके वाक्य जो है वो अफर्मेटिव में है, इसलिए टू में बदलिए। लिखेंगे हम लोग गो अवे एट वंस, और लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। यानी इस तरह से आपका यह पहला वाक्य बन गया। अब हमको यह देखना होगा कि इस पे और सारे बहु संबंधित एग्जाम्पल हम बनाने वाले हैं, जिसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस का वीडियो है, जिसमें अगला क्वेश्चन जो करने जा रहा है, ही कैप्ट द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, करा है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, यानी कैप्टन सोल्जर से कहते हैं फायर एट वंस, फायर एट वंस। यानी यहां पे देखना होगा आप लोगों को कि एक कैप्टन है, सैनिक से कहता है कि आग एक बार जलाओ, यानी यहां पर देखना होगा एक बार आग जलाओ, वह कैप्टन सोल्जर को क्या कहता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वह कमांड यानी ऑर्डर का बोध कर रहा है। तो आप ऑर्डर कह सकते हैं या कमांड लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं। तो द कैप्टन कमांड, तो कमांड हो गया यहाँ पे। अगर सैड है तो डेड लगा देंगे, कमांडेड।
अब क्या हो जाएगा, टू हटेगा, द सोल्जर, अब उसके बाद टू में इन्वर्टेड कॉमा को बदलेंगे और लिख देंगे फायर एट वंस। यानी आपने देखा कि यह आपका जो एग्जांपल था इसमें रिपोर्टेड स्पीच कमांड सेंटेंस का बोध कर रहा था। अब जो हम लोग आगे जो तीसरा एग्जांपल लिखने वाले हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि राम, यानी हम बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इसको मिटाएंगे हम, आई सेड टू राम, मैं राम से कहा, क्या कहा, कॉमा इनवर्ट कॉमा, प्लीज गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, कॉमा विल यू, कॉमा विल यू, अब इनवर्टेड कॉमा बंद हो गया। यहां पे आपको देखना होगा कि जब विल यू कह दिया तो ये हुआ क्या भाई, यह तो हो गया आपका क्वेश्चन टैग। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन टैग, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, कृपया गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दे दीजिए, विल यू, आप देंगे ना। यह जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच में विल यू जो दिया है ये क्वेश्चन टैग है, मतलब इसका अर्थ हुआ आई सेड टू राम, मैं राम से कहा कृपया मुझे एक किताब दे दीजिए, विल यू, आप देंगे ना। तो इस स्थिति में आपको ध्यान देने होगा कैसे बनाएंगे, तो नियम कहता आई, ये देख लीजिए प्लीज लग गया, कैंडल लग गया, रिक्वेस्ट या प्रे का बोध करता है, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड, तो आई रिक्वेस्टेड राम हो जाएगा, टू खत्म हो जाएगा, सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा टू में बदलेगा। अब प्लीज को मैं लिखवा चुका हूं कि प्लीज या काइंडली को इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य से खत्म कर दें, तो गिव मी, आप यहां पे थोड़ी सी माइनर चीजें देखनी है, मी मैंने बोल दिया था कि जनरल रूल हो या स्पेशल रूल ये नहीं बदलने वाला है। चलिए तो यहां पर मी देख लीजिए, आप पूछेंगे सर सैड है तो टेंस नहीं बदलेगा, तो टेंस है ही नहीं, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस है तो टेंस की तो बात ही नहीं आती इसमें, इसमें बस आती क्या है ए पर्सन देखना होगा और पार्ट ऑफ स्पीच देखना होगा, तो ये सैड है तो यहां पे तो टेंस की बात ही नहीं होती। अब बात होगी किसकी, पर्सन की बात होगी, जहां पर्सन आएंगे तो मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन में है तो मी फर्स्ट पर्सन में ही रह जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन में है। आप देखिए मी अ बुक, आप देखिए विल यू, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए और फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिए, आपका बनकर तैयार हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं समझेंगे, द टीचर सेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है अभी जो हम बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा, द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वर्क हार्ड बॉयज, देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वर्क हार्ड बॉयज। अब आपसे ही मैं पूछने चाह रहा हूं कि यदि कोई शिक्षक आपसे कहता है कि बच्चों कठिन परिश्रम करो तो आपको क्या लगेगा, टीचर आपको एडवाइस दे रहा है या सलाह दे रहा है, आप बताइए।
तो यहां पे जो टीचर है आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है, यानी ऐसा आपको प्रतीत होगा कि हमें कहीं ना कहीं मास्टर साहब सलाह दे रहे हैं कि तुम कठिन परिश्रम करो। तो सो यहां पे ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है एडवाइस का बोध कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। द टीचर सैड के जगह पर एडवाइज हो जाएगा, तू में बदलेंगे। अब देखिए मैटर यहां बहुत गंभीर, यहां पे हमको ये देखना है कि द टीचर एडवाइज यानी अकॉर्डिंग टू मीन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, हमने इस रिपोर्टिंग भाग को चेंज कर दिया रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार, लेकिन बात यहां फंसी हुई है कि ये भी तो सर बताए हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना याद रखना होगा कि जब भी इंपरेटिव का इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, इंपरेटिव रिपोर्टिंग भाग के बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा, ये तो कंप्लीट है। यदि नहीं भी इसमें रहता है संबोधन के रूप में ना हो तो अपने अनुसार एक उचित ले लेना होगा आपको। जब तक नहीं दिया रहता है तो यहां पे उचित ऑब्जेक्ट अपने से भी ले लेना होगा। तो समझिए द टीचर एडवाइज, और यहां पे हम मिस्टेक करने जा रहे थे हम नहीं आप। यहां देखिए जो वॉइस दिया हुआ है, संबोधन किया जा रहा है किसको, बच्चों को। कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है कि बच्चों कठिन परिश्रम करो, यानी यहां संबोधित किया जा रहा है। तो संबोधित नाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो हम इसको बताए थे कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट बना लेंगे। द टीचर सेड एडवाइज्ड बॉयज, अब इसको टू में बदल दीजिए इनवर्टेड कॉमा को, वर्क हार्ड, ये आपका बनकर तैयार होता है। लास्ट में फुल स्टॉप दे दीजिएगा। एक और एग्जांपल केवल हम आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं, ही सेड द बॉयज, वह बच्चों से कहता है, क्या कहता है बच्चों से, डू कीप क्वाइट, आई समझते हम। तो ही सेड टू द बॉयज, वह बच्चों वाले लड़कों से कहता है शांति बनाइए, शांति बनाइए। तो बताइए ऑर्डर दे रहा है, सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो बच्चों से कोई रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता है, यानी यहां पर फिक्स है कि कोई बड़ा व्यक्ति है और ये बॉयज है, और कह रहा है कि शांति बना, डू कीप क्वाइट, यानी शांत रहो या शांत बनाओ। तो यहां पे बहुत गड़बड़ मैटर कि सर यहां पे थोड़ा समझिए, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हमको। डू कीप क्वाइट, शांत रहो, शांति बनाओ या शांत रहिए। तो सर हो सकता है कि जो वह है यहां पर भी क्लियर नहीं है, यदि सर टीचर आता तो हम कह सकते कि वह आदेश दिया हो बच्चों को, लेकिन सर वहां पे थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति है, हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा होगा तो रिक्वेस्ट करेगा, बड़ा होगा तो ऑर्डर देगा,